तो ये समझे कि 4.5 करोड़ रुपए में गाड़ी मिल जाती है यार। ये टाइम डेंजरस नहीं हो जाता? बस बस सामने भी पावर वाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम दानिश खान ताफो है और आज मैं मौजूद हूँ टोयोटा क्राउन में, पाकिस्तान की दूसरी गाड़ी, कराची की पहली गाड़ी में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है सफ़ान। सफ़ान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई, आप बताएं कैसे? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे पहले ऑटोमॉल इरफान का थैंक यू करना चाहूँगा। इरफान जो है ना, जब कोई ऐसी गाड़ी आती है सबसे पहले हमें बुलाता है, जी आ जाए रिव्यू करें गाड़ी का। तो इरफान थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे सफ़ान अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरियंट बताएं। दानिश भाई, ये टोयोटा क्राउन प्लेटिनियम हाइब्रिड एडिशन है, 2023 का मॉडल है और अभी हमें फ्रेश इम्पोर्ट कराई है इसको। इसके अंदर बेसिकली 10 वेरियंट आते हैं जापान के अंदर और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, आरएस एडवांस क्रॉसओवर। ठीक है। अच्छा क्रॉसओवर क्यों? सफ़ान ये बताएं कि ये तो बेसिकली कार कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। अगर हम गाड़ी को बाहर से देखेंगे ना तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ऊँची है और ये एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेडान इसकी हाइट ज़रा उठी हुई है, अच्छी उठी हुई है इसकी। और ये लग्जरी क्रॉसओवर के अंदर आती है गाड़ी और ये लॉन्गेस्ट सेडान भी आती है इसकी, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है 2024 के मिड के बाद। लेकिन अभी तो आई थिंक ये टोयोटा की सबसे लॉन्गेस्ट सेडान ही है, क्रॉसओवर कहेंगे हम इसको। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोग ये इंपोर्ट कर रहे थे तो कोई रिक्वायरमेंट थी या आप लोगों का अपना वो था कि आप लोगों ने सिंगल टोन लेनी? वरना प्लैटिनम एडिशन जो है वो तो आई थिंक उसकी खासियत ही है कि वो टू टोन होती है। बिल्कुल, ये तो हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी, टू टोन बिल्कुल आती है इसके अंदर, लेकिन ब्लैक कलर की हमारे पर डिमांड थी और ये एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने गाड़ी मंगवाई है। इसका इंटीरियर सिलेक्शन का क्या था, ये इनका आता है ये या आप लोगों ने अपना खुद सेलेक्ट किया है कि बेज मंगवाना है आप लोगों ने? इसके अंदर 4-5 कलर आते हैं, इसके अंदर एक मरून भी है, बेज भी है, वाइट कैमल कलर है इसका, एक कैमल कलर, ये हमें ऑफर हो रहा था तो हमने यही चूज किया। और ये गोल्ड जो इसमें गोल्ड लाइनिंग भी थी, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। मतलब यार इन्होंने क्राउन की लेगेसी जो थी उसको बरकरार रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉयल सैलून थी, एक बड़ी मशहूर ज़माना क्राउन थी, वो इस गाड़ी में बैठ के मुझे उसकी याद ताज़ा हो गई। अब आप देखें ना कि हर जनरेशन जो भी क्राउन के जो वेरिएंट आ रहे हैं, हर जनरेशन के बाद जो है इन्होंने बिल्कुल रीडिज़ाइन कर दिया गाड़ी को। हाँ आप पिछली सेडान देखें, फिर इससे पहले वाली देखें तो बिल्कुल डिज़ाइन में भी, इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है गाड़ी। अच्छा इसमें आगे इन्होंने, मैंने देखा है बम्पर बड़ा खूबसूरत दे दिया, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ग्रिल्स वाला, वही बम्पर दिया, फॉग लैम्प इन्होंने कर दिए इसमें, मॉडलिस्टा किट दी हुई उन्होंने, मॉडलिस्टा किट लगी है, प्लस वो हैलोजन लैंप्स होते थे, आई थिंक अब फॉग लैंप्स वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सही है। अच्छा मुझे एक कन्फ्यूजन है छोटा सा, प्लैटिनम एडिशन में आपको जो पैनोरामिक रूफ आता है और मैं इसमें देख रहा हूँ उसमें सिर्फ मून रूफ दिया हुआ है उन्होंने। यूके वेरिएंट जो है उसके अंदर पैनोरामिक रूफ आता है, जैपनीज वेरिएंट के अंदर पैनोरामिक रूफ नहीं, सनरूफ दिया है इन्होंने। जी इन्होंने सनरूफ दिया है। अच्छा अब इसकी जरा परफॉर्मेंस और पावर पे आते हैं, इसके हॉर्स पावर क्या है गाड़ी की? ये 2.4 लीटर इंजन के साथ आती है और टर्बो है और ये टोयोटा की ड्यूल हाइब्रिड है, ड्यूल हाइब्रिड गाड़ी और बहुत फास्ट है। 345 हॉर्स पावर है और 500 न्यूटन मीटर्स टॉर्क प्लस की पावर है इसके अंदर, व्हिच इज रियली गुड, बड़ा अच्छा नंबर है इसका, बहुत पावरफुल है। अच्छा आई थिंक इसमें जो एक और वेरिएंट आता है वो NA होता है, उससे ये 150 हॉर्स पावर ऊपर है। बिल्कुल, वो कुछ 210 या 220 होती है। बिल्कुल। अच्छा इसका 0 to 100 जो है ना वो 5 seconds है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस आपने मुझे बता दी, बड़ा खूबसूरत इसका जो है ना मैं इंटीरियर देख रहा हूँ, सेंटर कंसोल इसमें। खैर अभी आप ड्राइविंग करते हुए बस मुझे बताएं ड्राइव मोड कितने हैं इस गाड़ी के? इसके अंदर 4 ड्राइव मोड हैं, 4 ड्राइव मोड है, एक तो इको नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स है, एक स्पोर्ट्स प्लस है इसका। अच्छा वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये हीटेड सीट्स का है आपके, हीटेड सीट्स है पीछे आपका, ये विंडो शेड का हो गया। अच्छा और ये आपका वो ट्रैक्शन का बटन आ गया, ट्रैक्शन का बटन आ गया, ये आपके कैमराज हो गए और इसका वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है, वायरलेस चार्जर का भी दिया हुआ है। कैमरास इस गाड़ी में कितने हैं टोटल? इसके अंदर 5 कैमरा है, फ्रंट बैक और दोनों साइड मिरर के अंदर है, और एक इसका बैक मिरर के अंदर जो है कैमरा वो भी असिस्ट करता है ड्राइवर को। और एक तो आई थिंक ऑन ही है कैमरा, ऑन आपको रियर व्यू दिखा रहा है, रियर व्यू दिखा रहा है आपको, व्हिच लुक्स रियली गुड, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप देखें कि जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ करीब आई ना इसके चारों कैमराज ऑन हो गए, अलर्ट दे दिया। अच्छा इसके अंदर दानिश भाई एक और ऑप्शन है, बहुत मजे का ऑप्शन है, वो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा रुक के बताइएगा। और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप चलाते चलाते सो जाएं, हाँ इसके अंदर ये सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके रेटिना को पकड़ता है, रेटिना को पकड़ता है, जैसे कि आप क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं और वाइल्ड ड्राइविंग अगर आपकी जो ध्यान है कहीं आपका भटक जाता है, कहीं आप इधर उधर देख रहे होते हैं, तो ये आपको स्टेयरिंग वाइब्रेट करता है,
और सेंसर्स भी इसके बीप करते हैं, एक तरीके का अलार्म दे देता है, अलर्ट कर देता है आपको। वेरी नाइस, ये मीटर बड़ा खूबसूरत है। और इसके बारे में बताएं, ये लेफ्ट तो आपको खैर वो दिखा रहा है पूरा, इसका डिजिटल मीटर है जी, ठीक है ना। एक तरफ आपकी ये हाइब्रिड का मीटर दिखा रहा है और दूसरी तरफ आपका स्पीडोमीटर है, ठीक है। सारा बैटरी की आपकी पावर वगैरह सब दिखा रहा है इसमें। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल पे हेड अप डिस्प्ले भी है, हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर मौजूद है। स्टीयरिंग के अंदर आपके पास क्रूज कंट्रोल है, ट्रैक्शन है, आपके पास मोड चेंज करने का यहाँ पर है, आप यहाँ से कॉल रिसीव कर सकते हैं, अपनी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम बड़ी यार, मतलब ड्राइवर फ्रेंडली कार है ये, और ड्राइवर फ्रेंडली है। अच्छा, साउंड सिस्टम के बारे में बताएं, नॉर्मल कोई सिस्टम लगा है, JBL JBL लगा हुआ है? नहीं, इसका बाय डिफॉल्ट टोयोटा का साउंड सिस्टम है। अच्छा, लेकिन अच्छा मुझे वहाँ पे भी कुछ बटन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मेमोरी सीट्स आ गए आपके पास, ये लाइट्स के अच्छा, इसके सस्पेंशन के बारे में मुझे बताएं। सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है, इसके स्मूथ तो है, इसमें शॉक्स वगैरह इन्होंने एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया हुआ है, एडजस्टेबल दिया हुआ है। और इसमें हाइट कंट्रोल का ऑप्शन है? नहीं, इसमें हाइट कंट्रोल का ऑप्शन, हाइट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है गाड़ी में। अच्छा, इसका कंफर्ट मोड आ गया है ये, और आप देखें ये जो है इसका सेंसर्स है इसके। अच्छा, ये गाड़ी की वजह से, गाड़ी की वजह से आप सामने से कोई भी गाड़ी जाएगी इसको अलर्ट करेगी आप। यार ये टाइम डेंजरस नहीं हो जाता कि गाड़ी आगे के पीछे ब्रेक मार दी एकदम से? यहाँ तो हर उसमें बंदा कूद रहा होता है, बैक से नहीं, फ्रंट से जो है ना, फ्रंट सेंसर जो है वह ज़्यादा एक्टिव होता है इसके। अच्छा, अभी ये गाड़ी स्पोर्ट्स प्लस मोड पे है ना? स्पोर्ट्स प्लस मोड पे, आपको पावर दिखाता हूँ मैं इसकी। बस बस बस, सामने भी पावर वाला जा रहा है, मेहरान के आगे कोई पावर दिखा सकता है? कोई पावर नहीं, बॉस तो बॉस है, बॉस तो बॉस है। मुझे ये बताएं, ये गाड़ी लेट से मैं लेना चाहता हूँ अगर, तो किस प्राइस ब्रैकेट में, एक्यूरेट प्राइस नहीं बताएगा, एग्जैक्ट प्राइस ना बताएं, बट मुझे बताएं किस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी जो है ना फॉल करती है? ये तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास ही है। ये 2023 मॉडल, 2023 मॉडल, और फ्रेश क्लियर गाड़ी है 2024 की, तो ये समझे कि 4.5 करोड़ रुपये में गाड़ी मिल जाती है। ये आई थिंक बड़ी अच्छी प्राइस ब्रैकेट में है ये गाड़ी, 45 मिलियन में, इट्स अ वेरी कम्फर्टेबल कार। और अगर कोई ऐसे हैं जो ये गाड़ी लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हों इसमें, तो पार्क व्हील्स की ऐप पे जाएं, और ऑटो मॉल वहाँ पे लिस्टेड है, वहाँ जाएं, ये गाड़ी हो चाहे ऑडी RS हो, चाहे और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनका हम रिव्यू कर चुके हैं, जी वैगन है, सुपरा है, सुपरा आई थिंक बिक गई, सुपरा तो बिक गई, हाँ, तो वो जो है ना वहाँ पार्क व्हील्स की ऐप पे जाएं, ऑटो मॉल लिस्टेड है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करें, और यू कैन बाय दिस कार। पावर टेस्ट करने लगे क्या? वेरी गुड यार, वेरी नाइस सफान, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू फॉर योर टाइम। दानिश भाई, आप आए हमारे पास, आपने रिव्यू किया गाड़ी का, बुलाया, थैंक यू। और पार्क व्हीलर्स, आई एम श्योर आपको ये रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा। मजीद आप गाड़ियों का रिव्यू देखना चाहते हैं, पार्क व्हील्स के पेज को सब्सक्राइब करें, और पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।